मुझे ये पता है कि हर कदम पर पैसे की जरूरत होती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे तुम अच्छा बनने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, ये समाज इसी नज़रिए से देखती है कि कितना धन है तुम्हारे पास, कि कितने सामर्थ्यवान हो तुम, कि कितने गुणवान हो तुम। मुझे पता है कि प्यार इंसान से नहीं, उसके पैसे से, उसकी काबिलियत से की जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत से धन दौलत के स्वामी बन सकते थे, पर उन्होंने कभी रखा नहीं, सिर्फ उतना ही रखा जितने से उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, और बाकी सब से उन्होंने मेरे अन्य बच्चों की सेवा की। तो बताओ, अगर मेरे वैसे बच्चों का कोई अनादर करेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? कभी कभी तुम्हारे मन में भी एक ख्याल आता है ना कि जो अमीर हैं उनसे ज़्यादा मित्रता रखी जाए और जो बहुत गरीब हैं उनसे थोड़ी दूरियाँ। इस विचार को ना अपने मन से हटा दो। जिसने जो मांगा है मैंने उसे वो दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो गरीब है उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, पर मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास बहुत धन दौलत तो नहीं है, शायद तुम्हारी नज़रों में वो गरीब हो, पर पता है समय से पहले उन्हें जो चाहिए होता है उनके पास रहता है, और वो बेहद संतोषी हैं। उन्होंने मुझसे कभी धन दौलत, नाम शोहरत नहीं मांगा था। अगर उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था तो सिर्फ साईं चरण, उन्होंने साईं चरण मांगा था, और मैंने तो उन्हें अपना हृदय ही दे दिया, अपने हृदय में स्थान दिया है। मांगा भी तो क्या, सिर्फ मुझे मांगा। और याद रखना, तुम्हारा ये साईं जो सबकी झोली भरता है, जो सबके पूरे करता है, इसे भी अक्सर लोग फकीर ही कहते हैं। जब मैं इतनी प्रसन्नता से फकीरी को स्वीकार कर सकता हूँ, तो फिर अमीर और गरीब के बीच के फासले की बात आती कहाँ से है? पता है कि तुम जिन लोगों को सिर्फ गरीब समझने के कारण दूरियां बनाते हो, शायद उनकी थोड़ी सी मदद करो ना, शायद उन्हें थोड़ी सी इज्जत दे दो, जितनी इज्जत तुम अपने अन्य मित्रों को देते हो, बस उतनी ही इज्जत अगर उन्हें भी दोगे ना, तो दुआ में वो शक्ति होती है, प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। किसने कौन सा लिबास पहन रखा है इससे उसका आकलन मत करो, पर किसने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है, करना है तो इससे करो। किसी इंसान के विचार को समझो, उसकी धन दौलत को नहीं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और इंसान को प्यार से देखो, इज्जत से देखो, धन दौलत की बात छोड़ दो।